Hello all of you, welcome back students. Again we are here to study the chapter number 1, food, where does it comes from, of class 6th. The subject is science. Else what we have done until now was the food varieties, ingredients. Then we have studied food sources, which were plants, animals and earth. Then again we were main focusing on the plants as a source of food, which we have learned. Now what we are going to study now is this topic, which is to prepare sprouts of green gram or moong dal. First of all, might be you all are aware about the word sprouts, but let everyone know, those who are not knowing this, the word here is sprout. What is a sprout? Listen to me carefully. If you are taking any seed or any of the pulse or dal or gram, like example moong dal or Bengal gram, that's the black one. If you are taking these or any of the two and you are going to give them water, some dampness, मतलब आपने क्या करना है, आपने ये seeds लेने हैं और उन्हें एक रात तक पानी में भिगो के रखना है. आपने कौन से seeds लेने हैं? Look here, आपने ये seeds लेने हैं, ये वाले, these are मूंग दाल. Okay, आपने ये मूंग दाल लेनी है, इनको एक रात, वन नाइट, इनको पानी में भिगो कर सोक करके रख लेना है और अगले दिन पानी निकाल देना है. इस मूंग दाल में जो पानी एक रात के लिए रखा होगा वो निकाल के इस मूंग दाल को आपने एक क्लॉथ में, एक कपड़े में रख देना है बांध के. ओके, और थोड़ा सा उस कपड़े को गीला कर देना, उस क्लॉथ को डैम्प कर देना, वेट कर देना. वन नाइट के बाद आपको उस क्लॉथ में क्या दिखेगा? उस क्लॉथ में आपको ये दिखेगा. ये क्या है? ये है स्प्राउट. लेट इट बी, मैं आपको एक बताती हूँ. ये है स्प्राउट, ये मूंग दाल है, वही मूंग दाल है, राइट? और उसमें क्या निकल आया है? कोई छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर, एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर उसमें से निकल आया है और उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्राउट. दैट मीन्स कि अगर हम एक मूंग दाल लें और उसको रात भर पानी में रखें सोक करके, देन कपड़े में डाल के, क्लॉथ में डाल के रखें, तो थोड़े देर के बाद या एक दो दिन के बाद आपको उसी मूंग दाल में से कुछ टाइनी वाइट स्ट्रक्चर्स दिखेंगे और वो टाइनी वाइट स्ट्रक्चर्स के कारण इन्हें आप बोलोगे स्प्राउट्स. क्या बोलोगे? स्प्राउट्स. और इस प्रोसेस को, जिसके साथ आपने इस मूंग दाल में से स्प्राउट्स बना दिए, इस मूंग दाल में से टाइनी वाइट स्ट्रक्चर्स, स्प्राउट्स निकाल लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्राउटिंग. क्या बोलते हैं? स्प्राउटिंग. आई गेस आप सबको समझ आ गई होगी. इसमें हुआ क्या है? एक मूंग दाल ली गई है, टेक सम सीड्स ऑफ मूंग दाल, सोक देम ओवर नाइट इन वॉटर, ड्रेन आउट द वॉटर द नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड रैप द सीड्स इन अ वेट क्लॉथ, कीप द क्लॉथ वेट बाय स्प्रिंकलिंग वॉटर ऑन इट, ऑब्जर्व द सीड्स आफ्टर वन डे, दे हैव द स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स, यू कैन वॉच द स्प्राउटेड सीड्स एंड ईट देम रॉ. आप इसको कच्चा भी खा सकते हो. ओके, इसको ऐसे ही खा सकते हो. और यू कैन बॉयल इट, यू कैन ऐड सम सॉल्ट, यू कैन ऐड लेमन टू देम. ओके, एंड यू शुड बी नोइंग दैट दीज स्प्राउटेड सीड्स आर मच हाई इन न्यूट्रिएंट एज कंपेयर टू दिस मूंग दाल अलोन. इस मूंग दाल के कंपैरेटिवली, ये जो स्प्राउटेड सीड्स हैं,
इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखेगा और हेल्दी रखेगा। सबको स्प्राउटेड सीड्स समझ आने चाहिए बेटा। स्प्राउटेड सीड्स क्या है? ये मूंग दाल ही है, ये वही मूंग दाल है जो ये वाली थी, और उसमें से ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर बाहर निकल आया है। इसे आप क्या बोलोगे? स्प्राउट्स। क्या बोलोगे? स्प्राउट्स। आई गेस आप सबको ये समझ लग गई होगी। तो अगर अब मैं आपको बोलूं कि स्प्राउटेड सीड्स के आप मेरे को इम्पोर्टेंस बताइए, इम्पोर्टेंस बताइए, तो आप सब क्या बोलोगे? स्प्राउटेड सीड्स जो हैं, स्प्राउटेड सीड्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में रिच है। सेकेंडली, इट कीप्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है? हेल्दी रखता है बेटा। ये कौन रखता है? स्प्राउट्स रखते हैं। ये जो स्प्राउट्स हैं ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या रखते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को ये हेल्दी रखते हैं। स्प्राउट्स कहाँ से आए थे? ये थी मूंग दाल और ये हैं स्प्राउट्स। देखिए स्प्राउट्स कैसे हैं, ये हैं स्प्राउट्स, इसी मूंग दाल के ये स्प्राउट्स आ गए हैं। स्प्राउट्स में टाइनी व्हाइट स्ट्रक्चर है, स्प्राउट्स में टाइनी छोटा सा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल आता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये टाइनी व्हाइट स्ट्रक्चर, ये वाला टाइनी व्हाइट स्ट्रक्चर, ये सब स्प्राउट्स में से निकल के आता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है बुक के अकॉर्डिंगली वो है एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। क्या है? एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। तो बेटा आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि एनिमल्स कैसे होंगे, एनिमल्स में से कौन से आपको फूड मिलने वाले हैं। मिल्क मिलने वाली है, एग मिलने वाला है और मीट मिलने वाला है, राइट? तो मिल्क आपको कहाँ से मिलेगा? काउ से या बफलो से, गोट से, कैमल से या याक से? मिल्क जो है उसके कारण आगे प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्या क्या बनता है? चीज बनता है, घी बनता है, कर्ड बनता है, आइस बनती है, आइसक्रीम बनती है, राइट? आइसक्रीम बनती है। देन कमिंग टू एग्स, एग्स जो हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं? हेन या फिर डक से। देन कमिंग टू मीट, मीट कहाँ से मिलता है? हेन, डक, गोट, फिश, क्रैब, प्रॉन से। मीट जो है वो आपको, और एग जो आपको है वो पॉलेट्री से मिलता है। ये यहाँ पर आपको बहुत इजीली दिख जाएगा जब आप बुक खोलेंगे। पेज नंबर इज 21 और बुक पे आपको एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड में दिखेगा मिल्क, एग्स एंड मीट। मिल्क आगे क्या क्या बनाने में? चीज, बटर, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम। एग्स कहाँ से? हेन एंड डक। मीट कहाँ से? हेन, डक, गोट, फिश, क्रैब एंड प्रॉन्स। एनिमल्स जो आपको मीट और एग प्रोवाइड करें उन्हें हम पोल्ट्री बोलते हैं। ओके, प्लीज यहाँ पर स्पेलिंग्स चेक कर लीजिएगा। PoUL, यहाँ एक और वर्ड एंटर करेगा दैट इज एल, सो प्लीज इसे ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर एक आएगा एल वर्ड। ओके, नेक्स्ट, हनी भी मिलता है एनिमल से। हनी कहाँ से मिलता है? हनी बीज से मिलता है ना, तो हनी बीज जो है वो हनी लेके दे रहे हैं। हनी बीज एनिमल्स है तो हनी एक एनिमल प्रोडक्ट हुआ ना। हनी बीज क्या करते हैं? हनी बीज फ्लावर में से एक नेक्टर होता है उसे कलेक्ट करते हैं, फिर उसका फूड स्टोर करते हैं। ध्यान से देखिए हनी बीज क्या करते हैं, सुनिए। जो हनी बीज है वो फ्लावर में से, जो फ्लावर का एक स्मेली सा, एक डिलीशियस सा एक जूस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? नेक्टर, उसे कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करके वो अपने हाइव्स में चले जाते हैं। हाइव्स क्या है? अगर आपने मधुमक्खी का अगर कभी हाइव देखा हो तो वो कुछ इस शेप का होता है।
इस शेप के हाइव के अंदर वो चले जाएंगे. ओके, जब वो हाइव के अंदर चले जाएंगे तो हाइव के अंदर जाके वो उस नेक्टर को स्टोर करके रख लेंगे. अब जब वो नेक्टर को हाइव के अंदर स्टोर करके रखेंगे तो वो नेक्टर क्या बन जाएगा, वो नेक्टर बन जाएगा हनी. वो नेक्टर क्या बन जाएगा, हनी. और वो हनी आपको कहाँ से मिला, हनी बीज से. दैट मीन्स हनी बीज भी आपको एक फूड दे रहे हैं जो कि क्या है, जो कि एक एनिमल सोर्स है. ओके, तो एनिमल सोर्स में आपके पास क्या क्या आया, मीट आया, एग आया, मिल्क आया और हनी भी आया. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. एज यू ऑल हैव सीन द की पॉइंट्स इन दिस चैप्टर वर फूड वराइटीज, इंग्रीडियंट्स, मटीरियल्स एंड देयर सोर्सेज एंड द लास्ट वन फूड ईटन बाय एनिमल्स. एनिमल्स जो है वो कैसे खाना खाते हैं और कौन से तरीके का खाना खाते हैं. तो बेटा ये जो फूड ईटन बाय एनिमल्स हैं, फूड ईटन बाय एनिमल्स, ये जो फूड खाना जो है एनिमल्स खा रहे हैं, इनके अकॉर्डिंगली एनिमल्स की कैटेगरी हम ब्रॉडली बोले तो तीन बना के पहले तो पेश करेंगे. सबसे पहला होगा हर्बीवोर्स, देन इट वुड बी कार्निवोर्स, देन इट वुड बी ओमनीवोर्स. लिसन टू मी केयरफुली. ब्रॉडली स्पीकिंग ये पहले तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. इसमें क्या होने वाला है, हर्बीवोर्स वो हैं विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. या तो वो प्लांट्स खाएंगे या प्लांट्स का ही प्रोडक्ट खाएंगे, वो एनिमल नहीं खाएंगे, तो वो हर्बीवोर्स में आएंगे. एग्जाम्पल काओ, देन इट वुड बी डियर, देन इट वुड बी हॉर्स, ये सब आएंगे हर्बीवोर्स में. ओके, देन कमिंग टू कार्निवोर्स. व्हाट आर कार्निवोर्स, कार्निवोर्स एनिमल्स वो हैं विच ईट ओनली एनिमल्स. दैट मीन्स वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो अलग एनिमल्स को खाते हैं. अलग एनिमल्स को खाने के लिए इनके पास दे हैव अब एनिमल्स खाना, बेटा प्लांट खाना बहुत इजी है, प्लांट प्रोडक्ट खाना बहुत इजी है, आपको इतने स्ट्रांग टीथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट अगर आपको एनिमल्स खाने हैं या फिर कोई फ्लैश खाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी लॉन्ग शार्प टीथ की. ओके, और अगर वो कोई बर्ड है तो बर्ड को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बर्ड को जरूरत पड़ेगी स्ट्रांग पॉइंटेड बीक की. उनकी बीक जो है वो स्ट्रांग और पॉइंटेड होनी चाहिए. फाइन, स्नेक्स जो हैं उनके पास भी स्मॉल टीथ्स होंगे ताकि वो प्रे को, अब एक वर्ड आ रहा है ध्यान से देखिए, प्रे, एंड एक वर्ड आ रहा है प्रीडेटर. प्रे का मतलब होता है शिकार, जिसको खाया जाए, टू बी ईटन, जिसको खाया जाए वो प्रे है, जिसका शिकार किया जाए. और जो शिकार करता है दैट मीन्स शिकारी, वो होता है प्रीडेटर, जो खाता है. ओके, जो खाने वाली चीज है वो प्रे है और जिसे प्रे खाता है वो कौन होता है, प्रीडेटर. दैट मीन्स बर्ड्स एंड एनिमल्स जो कार्निवोर्स हैं वो प्रीडेटर हैं, वो जिनको खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं. उनके शिकार को हम क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं. तो कार्निवोर्स में कौन सी एग्जाम्पल्स आएगी, ह्यूमन आएगा, आएगा नहीं जी, ह्यूमन नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ह्यूमन जो है वो सिर्फ एनिमल्स ही नहीं खाता, ह्यूमन तो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाता है, राइट. वो हम ओमनीवोर्स में पढ़ेंगे. ओके, तो यहां पर किस किस की एग्जाम्पल आएगी कार्निवोर्स में, लायन, स्नेक, लेपर्ड, इन सब की एग्जाम्पल आएगी. अब मैंने क्या बोला था, ह्यूमन की एग्जाम्पल कार्निवोर्स में नहीं आएगी. क्यों, क्योंकि ह्यूमन वो है विच ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो प्लांट्स भी खाएगा और एनिमल्स भी खाएगा. एग्जाम्पल ए ह्यूमन्स, सिर्फ ह्यूमन्स ही नहीं, बियर भी, क्रो भी, कॉकरोचेस.
अगर आपने खाना छोड़ा हो तो वो भी खा जाएंगे और छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी खा जाएंगे। तो कॉकरोचेस क्या कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खा रहे हैं और एनिमल्स भी खा रहे हैं। तो वो क्या हुए, ओमनीवोर्स हुए। वो क्या हुए, ओमनीवोर्स हुए। ये बात समझ आई, इजी है ना। उसके बाद आपके पास दो और टॉपिक हैं जिसके साथ आपकी ये जो बुक वाला फर्स्ट चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। एंड द टू टॉपिक्स आर स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। स्कैवेंजर्स क्या है? स्कैवेंजर्स बेटा वो हैं विच ईट ओनली डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। ये सिर्फ डेड बॉडीज खा रहे हैं एनिमल्स की। स्कैवेंजर्स क्या है? स्कैवेंजर्स ईट ओनली डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। और वो क्या कर रहे हैं, अगर वो अपने आसपास की जो डेड बॉडीज है वो खा रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहे हैं, दे कीप द सराउंडिंग क्लीन। ये हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है उन्हें क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। ओके और कई ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल क्रो डेड बॉडी खा लेता है। किसकी? अब एनिमल्स की डेड बॉडी का मतलब बहुत बड़ी डेड बॉडी नहीं बेटा, छोटा सा कोई एनिमल होगा अगर वो मर गया तो वो भी उसकी डेड बॉडी हुई ना। तो छोटे से एनिमल को भी वो खा सकता है, छोटे से आंट को खा सकता है, किसी और एनिमल को जो छोटे से छोटा हो उसे खा सकता है। जैकल खा सकते हैं, हाइनास खा सकते हैं, वल्चर्स खा सकते हैं। सो याद रखिएगा ये भी चीजें। एटसेट्रा। नाउ कमिंग टू पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो हैं बच्चे जो डेड के ऊपर नहीं, जो लिविंग के ऊपर ही रहते हैं और उनसे ही खाना लेते हैं। दैट मीन्स पैरासाइट क्या है, दे आर द स्मॉल एनिमल्स that depend upon the living animals। वो जिंदा के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जिंदा के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ याद करो जो जिंदा के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हो। तो आजकल हमें एक चीज बहुत ज्यादा मिल रही है, वो है मस्कीटोस। मस्कीटोस क्या करते हैं, आपसे ब्लड सक करते हैं, ह्यूमन बॉडी से ब्लड खींचते हैं, सक करते हैं, राइट। तो मस्कीटोज क्या कर रहे हैं, हम लिविंग है ना, हम लिविंग्स में से ही वो अपने खाने को ले रहे हैं। तो मस्कीटोज क्या हुए, वो हुए पैरासाइट्स। ओके तो हम मस्कीटोज के बारे में आपके बुक से ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर इज 22। फॉर एग्जाम्पल पैरासाइट वाले टॉपिक में, ब्लड इज द फूड ऑफ मस्कीटोज, दे सक इट फ्रॉम ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। मस्कीटोज हैव लॉन्ग शार्प पाइप इंस्टेड ऑफ टीथ। टीथ नहीं होता मस्कीटो में, टीथ नहीं होते। क्या होते हैं मस्कीटो में, एक पाइप होती है जो लॉन्ग होती है और शार्प होती है, विच इज यूज टू पियर्स द स्किन। वो हमारे स्किन के अंदर चली जाती है, बिल्कुल अंदर चली जाती है स्किन के। एंड देन इट सक द ब्लड, और फिर वो हमारी बॉडी से ब्लड सक कर लेता है। सम पैरासाइट्स लाइक टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारी बॉडी में ही जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, हमारे स्टमक में, पेट में, वो ही लेते हैं। फ्लीज, लीचेस, बर्ग्स एटसेट्रा, ये सब एक पैरासाइट्स हैं, क्योंकि वो लिविंग एनिमल्स पर रहकर अपना खाना गैदर करते हैं, खाना ऑब्टेन करते हैं। होप सो आपको आज वाले जो टॉपिक्स हैं, स्प्राउट्स मेकिंग, एनिमल्स एज अ सोर्स, फूड ईटन बाय एनिमल्स, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 6। आपने फाइंड आउट करना है डिफरेंट डिफरेंट फूड ईटन बाय द एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल वन इज बींग डन बाय यू। काउ ने क्या खा सकती है, काउ एक ग्रास खा सकती है, ऑयल केक्स खा सकती है, हे ग्रेन्स खा सकती है। आई एम नॉट कंपेलिंग यू कि आपने यहां पर 2, 2, 3, 3 लिखने हैं। यू कैन एटलीस्ट राइट वन, एक लिखिए कम से कम। जैसे कैट है तो कैट आपको पता है ना, कैट का फेवरेट तो मिल्क हुआ, तो आप यहां पर मिल्क लिखिए। ओके डियर, डियर का आपको पता है ग्रास है, तो आप यहां पे ग्रास लिखिए। एलिफेंट को आपने कभी ग्रास या कोई पेड़ में से कुछ खाता देखा हो, ट्री में से कुछ खाते देखा हो, तो यहां पर वो आप वो लिखिए।
कॉकरोच को आपने घर में कुछ खाते देखा हो तो वो लिखिए, एटलीस्ट वन वन चीज, वन वन फूड आइटम आपने यहाँ पर लिखनी जरूर है बेटा. ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 7, टू क्लासीफाई द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट. क्लासीफाई करना है एनिमल्स को, कौन से एनिमल्स को, ये जो उन्होंने एग्जाम्पल्स लिख के दी थी ना, टोटल 15, इनमें से आपको देखना है कि कौन से हर्बीवोर्स हैं, कौन से कार्निवोर्स हैं और कौन से ओमनीवोर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, हर्बीवोर्स में आया काओ क्योंकि वो सिर्फ प्लांट खाता था, कार्निवोर्स में आया लॉयन क्योंकि वो सिर्फ एनिमल्स खाता था, और ओमनीवोर्स में आया कैट क्योंकि वो दोनों खाती थी, क्या क्या, प्लांट प्रोडक्ट्स भी और एनिमल्स को भी. क्लियर? एंड द लास्ट वन इज की नोट्स टू रिमेम्बर. मैं एक बार रिसाइट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू सर्वाइव एंड परफॉर्म एक्टिविटीज. देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया. द मेन सोर्स ऑफ फूड आर plants and animals. The animals which eat only plants are called herbivores. Animals which eat only animals are called carnivores. Animals which eat both plants as well as animals are known as omnivores. Animals which mainly consume dead bodies of animals are called scavengers. And parasites are the small animals that depend upon other animals for their food. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आई होप सो आपको साइंस का फर्स्ट चैप्टर समझ आ गया होगा. थैंक यू.